हटा लो निकल मुंह निकल मुंह हट गैप गा, दे दीजिए दी। थोड़ा जगह बना दीजिए स्टेज पे वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विपक्षी दल के वरिष्ठ नेता हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत आप आज यहां बर्फ में खड़े हैं मगर आप में इससे किसी को सर्दी नहीं लग रही है आप बारिश में खड़े हुए कोई भीगा नहीं गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगी सर्दी में आपको सर्दी नहीं लग रही है क्योंकि देश की शक्ति आपके साथ है प्रियंका की बात मैं सुन रहा था प्रियंका ने कहा मेरे मैसेज के बारे में प्रियंका ने कहा नॉर्मली होता नहीं है मगर मेरे आंख में आंसू आए क्योंकि मैं कन्याकुमारी से चला शुरुआत की और पूरे देश में हम पैदल चले मैं सच बताऊं आपको अजीब लगेगा मगर मैं बहुत सालों के लिए हर रोज आठ दस किलोमीटर दौड़ता हूं तो मैंने सोचा था देश कन्याकुमारी से कश्मीर चलने में इतनी मुश्किल नहीं होगी मेरे दिल में था कि आसान होगा फिजिकली मेरे लिए ये मुश्किल काम मैंने सोचा था मुश्किल काम नहीं होगा शायद मैं काफ़ी वर्जिश करता हूं थोड़ा सा अहंकार आ गया जैसे आ जाता है मगर फिर बात बदल गई जब मैं छोटा था फुटबॉल खेलता था और कॉलेज में जब मैं फुटबॉल खेल रहा था एक बार मुझे बहुत जोरों से घुटने में इंजरी इंजरी हुई थी मैं उसको भूल गया था घुटने में दर्द नहीं होता था भूल गया था उसको दर्द गायब हो गया था मगर कन्याकुमारी से पांच सात दिन बाद घुटने में प्रॉब्लम आई और जबरदस्त प्रॉब्लम आई पूरा अहंकार उतर गया और मैं सोचने लगा क्या मैं ये जो 3,500 किलोमीटर हैं क्या मैं इनको चल पाऊंगा या नहीं तो जो मैंने सोचा था आसान काम होगा वो काफी मुश्किल हो गया मगर फिर मैंने किसी ना किसी तरीके से ये काम पूरा कर दिया बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत कुछ सीखने को मिला मैं आपको बोलूं तो दर्द सहना पड़ा काफ़ी मगर सह लिया रास्ते में एक दिन मुझे दर्द हो रहा था काफ़ी दर्द हो रहा था और मैं सोच रहा था अब छः सात घंटे और चलने हैं और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मुश्किल है और एक छोटी सी बच्ची आई दौड़ती हुई आई मेरे पास और मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है मगर तुम अभी मत पढ़ो इसको बाद में पढ़ना और फिर वो मुझे गले लग के भाग गई फिर मैंने सोचा अब पढ़ता हूं क्या लिखा है तो उसने लिखा था कि मुझे दिख रहा है कि आपके घुटने में दर्द है क्योंकि आप जब उस पैर पे वजन डालते हो तो आपके चेहरे पे दिखता है कि दर्द है मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ कन्याकुमारी नहीं चल सकती हूँ क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे हैं मगर मैं दिल में आपके साथ आपके साइड में चल रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि हाँ, आप आप अपने लिए नहीं चल रहे हो आप मेरे लिए चल रहे हो और आप मेरे भविष्य के लिए चल रहे हो और और उसी सेकंड में पता नहीं अजीब सी बात है उसी सेकंड मेरा दर्द उस दिन के लिए गायब हो गया दूसरी बात मैं चल रहा था मैं चल रहा था और उस समय उसी समय वहां पे थोड़ी सर्दी बढ़ रही थी सुबह का समय था और चार बच्चे आए पता नहीं कहना चाहिए या नहीं तो कह देता हूं छोटे से बच्चे थे भिकारी थे भीख मांगते थे और मेरे पास आए कपड़े नहीं थे मैंने देखा शायद मजदूरी भी करते थे तो थोड़ी मट्टी थी उन पर खैर मैं ये चीज़ें देखता नहीं हूं तो मैं उनके साथ गले लगा घुटनों पे गया ऐसे उनको पकड़ा मैंने क्योंकि मैं उनकी लेवल पे रहना चाहता था और फिर नहीं सुनिए मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था मगर कह दूंगा तो उनको ठंड लग रही थी वो कांप रहे थे शायद उनको खाना नहीं मिला था छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे तो मैंने सोचा कि अब अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए मगर मैं 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 झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूं मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूं जब मैंने ये खत्म किया मैं चल रहा था तो हमारे साथ एक व्यक्ति थे उन्होंने मुझे मेरे कान में बोला राहुल जी ये बच्चे गंदे हैं इनके इनके पास आपको ऐसे जाना नहीं चाहिए तो मैंने उनसे कहा वो आपसे और मुझसे दोनों से साफ हैं तो देश में कभी कभी यह विचारधारा दिखाई दे जाती है दूसरी बात आपको बता देता हूं शायद लोगों को अच्छी ना लगे जब मैं चल रहा था आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी आपने देखा आपको मालूम है क्यों रो रही थी नहीं उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी मुझसे मिलकर रो रही थी मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थीं जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है उनको किसी ने मोलेस्ट किया है उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है और जब मैं उनसे बोलता था बहन मैं पुलिस को बताऊं तो मुझे कहती थी राहुल जी पुलिस को मत बताइए हम चाहते हैं कि आपको यह बात मालूम हो मगर पुलिस को मत बताइए हमारा और भी नुकसान हो जाएगा तो ये हमारी देश की सच्चाई है ऐसी बहुत सारी और मैं कहानियां आपको बता सकता हूं तो फिर मैं कश्मीर की ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिश्तेदार नीचे से ऊपर आए सॉरी ऊपर से नीचे आए कश्मीर से अलाहाबाद गंगा की ओर गए और मुझे ऐसे लग रहा था ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूं घर मेरे लिए जब से मैं छोटा था मैं सरकारी घरों में रहा हूं मेरा अपना घर नहीं है तो मेरे लिए मेरे लिए घर जिसको जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने कभी घर नहीं माना वो मेरे लिए मैं कहीं भी रह लू वो एक इमारत होती है वो घर नहीं होता है घर मेरे लिए एक सोच है एक जीने का तरीका है एक सोचने का तरीका है और यहां पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो उसको मैं अपना घर मानता हूं अब ये कश्मीरियत अब ये कश्मीरियत है क्या ये जो शिव जी की सोच है एक तरफ और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शून्यता कहा जा सकता है अपने आप पर अपने अहंकार पर अपने विचारों पर आक्रमण करना और दूसरी तरफ इस्लाम में जिसको शून्यता यहां कहा जाता है वहां फना कहा जाता है सोच वही है इस्लाम में फना का मतलब अपने ऊपर आक्रमण अपनी सोच पर आक्रमण जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं ये हूं मेरे पास ये है मेरे पास ये ज्ञान है मेरे पास ये घर है उसी किले पर आक्रमण करना वही है शून्यता वही है फना और इस धरती पे ये दो जो विचारधाराएं हैं इनका एक बहुत गहरा रिश्ता है और ये सालों से रिश्ता है जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं यही सोच बाकी स्टेट्स में भी है गांधी जी वैष्णव जनतों की बात करते थे जिसको हम यहां शून्यता फना कहते हैं उसको गुजरात में वैष्णो जंतु कहा जाता है असम में शंकर देव जी ने भी यही बात कही कर्नाटक से हमारे यहां जो लोग आए हैं वहां बसवा जी ने ये बात कही केरल में नारायण गुरु ने ये बात की महाराष्ट्र ने ज्योतिबा फूले ने जी ने ये बात की और यहां इसको हम कश्मीरियत कहते हैं लोगों को जोड़ना और दूसरों पर आक्रमण नहीं करना अपने आप पर आक्रमण करना अपनी कमी देखना मैंने आपको कहा कि मेरा परिवार कश्मीर से गंगा की ओर गया था अलाहाबाद संगम के बिल्कुल किराने किनारे वहां पास में हमारा घर है तो जब यहां से वो वहां गए उन्होंने कश्मीरियत की जो सोच थी उसको गंगा में डाला था गंगा में ले गए उस सोच को और उत्तर प्रदेश में उस सोच को फैलाया था जिसको उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना तहजीब कहा जाता है तो उन्होंने मेरे परिवार ने छोटा सा काम कोई बड़ा काम नहीं किया जो आपने उनको सिखाया जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको सिखाया लद्दाख के लोगों ने सिखाया क्योंकि उसमें बहुत धर्म भी है उनके पास भी वही सोच शून्यता की सोच उधर भी है वो उसको ले गए और उस विचारधारा को सोच को गंगा में उन्होंने रखा तो मैं ये सोच रहा था जब यहां आ रहा था पैदल चल रहा था और मुझे सिक्योरिटी वालों ने कहा सिक्योरिटी वालों ने कहा था कि देखिए आप पूरे हिंदुस्तान में चल सकते हो जम्मू में भी चल सकते हो मगर आखिरी जो चार दिन है कश्मीर में आपको गाड़ी से जाना चाहिए वेणुगोपाल जी ने मुझे कहा पहले और जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने कहा तीन चार दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन अद्मिने, ने कहा कि देखिए शायद डराने के लिए कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा तो मैंने सोचा नहीं सुनिए मैंने सोचा कि ऐसे करते हैं मैं अपने घर वापस जा रहा हूं चार दिन पैदल चलूंगा अपने घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूंगा और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें लाल कर दें क्योंकि मैं मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है नहीं तो जीना नहीं है। तो मैंने मौका दिया मैंने कहा मैं चार दिन चलूंगा बदल दो उस टी शर्ट का रंग लाल कर दो देखी जाएगी मगर जो मैंने सोचा था वो ही हुआ जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया अपने दिल खोल कर प्यार दिया गले लगे और मुझे मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से बच्चों ने बुजुर्गों ने आंसुओं से मेरा यहाँ स्वागत किया मैं अब जम्मू कश्मीर के लोगों से और जो यहाँ हमारे सेना के लोग काम करते हैं सी के लोग काम करते हैं उनको मैं कुछ कहना चाहता हूँ सबको जम्मू कश्मीर के युवाओं को बच्चों को माताओं को सबको सी के बी के आर्मी के जवानों को उनके परिवारों को उनके बच्चों को मैं कहना चाहता हूं देखिए मैं हिंसा को समझता हूं मैंने हिंसा सही है देखी है जो हिंसा नहीं सहता है जिसने हिंसा नहीं देखी है उसे यह बात समझ नहीं आएगी जैसे मोदी जी हैं अमित शाह जी हैं आरएसएस के लोग हैं उन्होंने हिंसा नहीं देखी है डरते हैं नहीं डरते हैं देखिए डरते हैं यहाँ पे हम चार दिन पैदल चले मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूँ कि बीजेपी का कोई नेता कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है और आप और इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे इसलिए क्योंकि वो डरते हैं खैर मैं मैं अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को युवाओं को बुजुर्गों को और आर्मी के लोगों को सीआरपीएफ, बीएसएफ लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूं देखिए मैं जब चौदह साल का था स्कूल में था सुबह ज्योग्राफी की क्लास में था मैं पढ़ रहा था सामने बैठा था और मेरी एक टीचर आई अंदर आई और उसने कहा राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है मैं बदमाश था बहुत बदमाश था जब छोटा था बहन से पूछ सकते हो क्या क्या करता था मैं अभी भी करता हूं मैंने सोचा प्रिंसिपल बुला रहा है मैंने कुछ गलती की होगी अब मार मारपीटेगी वहां पे केनिंग होती थी मैंने सोचा था अब केनिंग होगी मेरी मगर जब मैं चल रहा था जो जिस टीचर ने मुझे बुलाया उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगा और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल ने कहा राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है और जब मैंने उसके शब्द सुने मुझे पता लग गया कुछ कुछ गलत हो गया है मेरे पैर पे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया तो मेरे माँ के साथ एक औरत काम करती है वो चिल्ला रही थी राहुल दादी को गोली मार दी दादी को गोली मार दी दादी को गोली मार दी चौदह साल का था देखिए ये जो मैं कह रहा हूं ये जो मैं कह रहा हूं ये जो मैं अभी कह रहा हूं ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी ये बात अमित शाह जी को नहीं समझ आएगी ये बात डोवल जी को भी नहीं समझ आएगी मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी ये बात सीआरपीएफ के लोगों को समझ आएगी ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी उनके परिवार को परिवारों को समझ आएगी तो मेरे उन्होंने मुझे कहा नाम ओंगमू है उसका उसने कहा दादी को गोली लग गई दादी को गोली लग गई और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गए प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया मैं वापस गए और फिर मैंने वो जगह देखी जहाँ मेरी दादी का खून था पापा है माँ है मां बिल्कुल हिल गई थी बोल नहीं पा रही थी आ, हाँ फिर फिर क्या हुआ तो जब जो हम लोग हैं जिन्होंने हिंसा देखी है ये जो है ना ये इसको हम बिल्कुल दूसरी तरीके से देखते हैं ये आप सब के लिए टेलीफोन है ये हमारे लिए सिर्फ टेलीफोन नहीं है उसके बाद छः सात साल बाद मैं अमेरिका में था और फिर से टेलीफोन आया इक्कीस में टेलीफोन आया जैसे बहुत सारे जैसे जो पुलवामा में पुलवामा में हमारे सैनिक मरे थे उनके घर टेलीफोन आया होगा हजारों कश्मीरी लोगों के घर टेलीफोन आया होगा सेना के परिवारों को टेलीफोन आया होगा वैसा ही टेलीफोन आया पिता के एक दोस्त थे उन्होंने मुझे फोन कहा किया और कहा राहुल बुरी खबर है मैंने उनसे कहा मैं जानता हूं पापा मर गए कहते हाँ मैंने कहा धन्यवाद फोन रख दिया तो मेरा कहना है मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है जैसे मोदी जी हैं अमित शाह जी हैं अजीत डोवल जी हैं आरएसएस के लोग हैं वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं हम समझ सकते हैं पुलवामा के जो सैनिक थे उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं। मेरे दिल में वही हुआ है जो यहाँ पे कश्मीर में लोग मरते हैं उनके दिल में क्या होता है जो फोन कॉल आता है क्या लगता है वो मैं समझता हूं, मेरी बहन समझती है तो कल किसी जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा यात्रा का क्या लक्ष्य है कहा कि यात्रा क्या अचीव करना चाहती है जम्मू कश्मीर में क्या अचीव करना चाहती है मेरे उस समय दिमाग में आया मगर मैंने कहा नहीं बोलता हूं कल भाषण में बोलूंगा यात्रा का लक्ष्य है कि ये जो फोन कॉल हैं चाहे ये आर्मी के हों चाहे सी के हों चाहे कश्मीर के लोगों के हों ये फोन कॉल बंद हो जाए कि ये फोन कॉल किसी बच्चे को किसी मां को किसी बेटे को ना लेना पड़े मेरा लक्ष्य ये जो फोन कॉल हैं इनको बंद करने का है अब अब देखिए बीजेपी आरएसएस के लोग आक्रमण किस चीज पर कर रहे हैं मुझे गाली देते हैं मैं उनका धन्यवाद करता हूं क्योंकि मैं जो मैंने आपको शून्यता की बात की शिव की बात की उसको मैं समझता हूं और मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ कि जितना भी वो मेरे ऊपर प्रेशर डालें जितनी भी गाली लगाएं, जो भी वो करें उससे मैं सिर्फ सीखता हूँ तो मैं एक प्रकार से उनका धन्यवाद करता हूँ मगर जो मैंने आपको बात बोली पहले चाहे वो कश्मीरियत है चाहे वो वैष्णो जन्तो है चाहे वो शंकर देव जी हैं बसवा हैं नारायण गुरु हैं तिरुवल्लवर हैं जो तमिलनाडु के बड़े पोएट हैं फूले जी हैं और जो कश्मीरियत हैं ये इस विचारधारा पर आक्रमण कर रहे हैं और ये जो विचारधाराएँ हैं ये इस देश की नींव है इस देश की फाउंडेशन है और आपने जो किया जो यात्रियों ने किया हम सब ने किया इस विचारधारा की रक्षा के लिए किया है मैंने ये काम अपने लिए नहीं किया मैं ऐसा काम अपने लिए कभी कर ही नहीं सकता हूँ मैंने ये काम मैंने ये काम हमारे कांग्रेसी मित्रों को ये अच्छा ना लगे मगर मैंने ये काम कांग्रेस पार्टी के लिए भी नहीं किया है मैंने ये काम और हम सब ने ये काम हिंदुस्तान की जनता के लिए किया है और हमारी और कोशिश है हमारी कोशिश है कि जो विचारधारा जो विचारधारा इस देश की नींव को तोड़ने की कोशिश कर रही है जो विचारधारा इस देश की नींव जो विचारधारा इस देश की नींव को तोड़ने की कोशिश कर रही है उसके खिलाफ हम खड़े हों मिलकर खड़े हो नफरत से नहीं क्योंकि वो हमारा तरीका नहीं है मोहब्बत से खड़े हों मैं जानता हूं कि अगर हम मोहब्बत से खड़े होंगे प्यार से बात रखेंगे तो हमें सफलता मिलेगी और उनकी जो विचारधारा है उनको हम सिर्फ उसको हम सिर्फ हराएंगे नहीं मगर उस विचारधारा को हम उनके दिलों से निकाल देंगे तो आपने देश की जनता ने हमारा समर्थन किया हमारी कोशिश है कि हमें बीजेपी ने एक जीने का तरीका राजनीतिक तरीका दिखाया है हमारी कोशिश है कि हम एक और तरीका जो हिंदुस्तान का तरीका है मोहब्बत का तरीका है वो हम देश को दिखाएँ हम देश को याद दिलाएँ कि हिंदुस्तान मोहब्बत का देश है इज्जत का देश है भाईचारे का देश तो हमने जो कहा था छोटा सा कदम लिया है बड़ा कदम नहीं है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की धन्यवाद जय हिंद